हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर फ्रॉम मिसेस कॉन्वेंट स्कूल। ओके बेटा, चलिए सेवेंथ क्लास के बच्चों जल्दी से अपनी बुक खोल लीजिए बेटा सारे बच्चे, और पेंसिल लेके रेडी हो जाइए काम करने के लिए, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए। और जो जो मैं लिखाऊँ अच्छे से बेटा उसको लर्न भी कर, लिखना तो है ही लेकिन लर्न भी करना है, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते। यस बेटा, जल्दी जल्दी से बुक्स खोलिए। चलिए हमारी पाठ्यपुस्तक हम लोग खोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन सा था आपका पहला चैप्टर, मीरा के पद। ये पद आपने अच्छे से पढ़ लिया है, मैंने आपको समझा दिया है ना। तो अब शुरू करते हैं बेटा। ओके, हम लोगों ने कहाँ तक किया था बेटा? यस, ये क्वेश्चन आंसर हमारे पूरे हुए थे कि नहीं? हाँ, नहीं हुए थे, हो गए थे ना बेटा। ओके, यहाँ तक हमारा पूरा था। अब हमारा भाषा ज्ञान हम लोग शुरू करेंगे। ओके बेटा, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ओके बेटा, तो चलिए एक बार जो प्रश्न उत्तर हमने किए थे उसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं बेटा, ठीक है। मीरा के पहले पद में श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया गया है, इसका क्वेश्चन आंसर देख लें बेटा। चलिए आंसर इसका देखते हैं बेटा। यस, देखिए बेटा सेकंड का आंसर, मीरा को बांवरी इसलिए कहा है क्योंकि मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति में दिन रात खोई रहती हैं। वो उनके भजन गा गा कर नाचती रहती हैं। उनको नहीं याद रहता है कि वो किसी की बहू हैं, किसी की पत्नी हैं। वो बस भगवान कृष्ण की भक्ति में मग्न रहती हैं, इसलिए मीरा जी को बांवरी कहा गया है, ठीक है बेटा, समझे? देख लीजिए एक बार दोबारा से बेटा आंसर इसके। यस, हो गया। ओके, चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन जो ग है वो करते हैं। यस, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, ग का थर्ड, मीरा किसकी भक्ति में लगी रहती हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है, किसकी भक्ति में, बताइए जल्दी से। यस, भगवान कृष्ण की भक्ति में। चलिए इसको भी आंसर मैं लिखा देती हूँ आपको। देखिए बेटा, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहती हैं, मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहती हैं, रहती थी, ठीक है ना, समझे? ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बेटा, तीसरे पद में जन्म जन्म की पूंजी किसी बताया गया है। मीरा जी ने जो पद गाया है, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खवायो, उस लाइन में जन्म जन्म की पूंजी किसे बताया गया है, ठीक है। तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए बेटा, मीरा जी ने भगवान की भक्ति को, भगवान के नाम को, ठीक है, भगवान की भक्ति और भगवान के नाम को जन्म जन्म की पूंजी बताया गया है, ठीक है बेटा, भगवान की भक्ति और भगवान के नाम को बताया गया है, ठीक है बेटा। सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग समझ गए हो? हाँ, और इस जितने भी क्वेश्चन आंसर बेटा मैं करा रही हूँ सब आपकी फेयर कॉपी में होना चाहिए, जो भी मैं लिखा रही हूँ सब आपकी फेयर कॉपी में होना चाहिए, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, समझ लेना। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छे से नीट एंड क्लीन आपको लिखना है, पहले क्वेश्चन फिर आंसर। मेरी तरह आप उत्तर 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 सिर्फ मत डालिएगा, आप लोग पहले प्रश्न लिखिए फिर उत्तर डालिएगा, ठीक है ना बेटा। ओके, चलिए बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। ओके।